तो आज की वीडियो में हम देखेंगे GridWarp नोट को कैसे काम करते हैं, GridWarp नोट के पहले क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। तो छोटा सा ये टास्क रहेगा हमारा, GridWarp नोट की मदद से मैं इस वायर को रिमूव करूंगा, मतलब ये पूरे पोर्शन को ट्रैक करेंगे विदाउट फोटोशॉप में गए, यहीं पे हम करके दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसके लिए छोटी सी चीज़ें और रहेंगी जो ऐड ऑन करेंगे हम इस ट्यूटोरियल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्लीन करना है, क्लीन करने के लिए मैं 5 सेकंड का टाइम लूँगा। यहाँ से रोटो पेंट नोट लगाया और यहाँ से मैं इसको तुरंत से 2 मिनट में क्लीन कर देता हूँ। तो क्लीन करने के बाद मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने इतना सा एक प्लेट क्लीन किया है क्योंकि हम बॉडी के ऊपर से ही इस वायर को रिमूव करने वाले हैं, तो हमने इतना सा क्लीन कर लिया है। अभी एक काम हमें और करना है, GridWarp को पहले हम इसे ट्रैक करने वाले हैं, वो भी अगर बॉडी का पार्ट है तो प्लेनर ट्रैकर इसके लिए बेस्ट होता है, तो प्लेनर ट्रैकर का यूज करेंगे इसको ट्रैक करने के लिए। तो अभी हमें यूज करना है प्लेनर ट्रैक का, तो आप प्लेनर ट्रैक ले लें, यहाँ से प्लेनेट ट्रैक लिया, इससे यहाँ से कनेक्ट कर दें। अभी एक रोटो सेप ड्रॉ करनी है प्लेनेट ट्रैकर के, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसी मैं एक सेप ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल सी एक बेसिक ट्रैक हमको चाहिए, तो ऐसा एक सेप ड्रॉ कर लेंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एक सेप ड्रॉ कर लीजिए। इस सेप ड्रॉ करने के बाद एक सेप और ड्रॉ करनी है इस वायर के लिए, क्योंकि हम ये वायर डिस्टर्ब कर सकती है हमारे ट्रैकर को, तो इसको यहाँ माइनस कर देंगे इस पार्ट को पर्टिकुलर। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको जाना है ऐसा और यहाँ पे क्लिक कर देना है माइनस में, ओके। अभी जैसा कि मैं यहाँ से व्यू करके आपको दिखाऊं, ये देखिए जो माइनस किया ऐसा कुछ पार्ट है, तो वो माइनस कर देगा हमारे पार्ट को। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको ट्रैकर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रैक टू एंड, ये आगे की तरफ ट्रैक करेगा। व्हाट हैपेंड, सिलेक्शन नहीं था, अभी हम कर देते हैं। ओके, ये फ्रेम सफिशियंट है, तो यहाँ से इस ट्रैक को हमने कर लिया है, ऐसा कुछ ट्रैक होके आ गया हमारे पास जैसा आप देख पा रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक ऐसा कुछ ग्रिड मिल जाएगा, इससे पॉइंट को आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे मुझे पॉइंट्स चाहिए, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे कुछ, इसको ऑफ कर देता हूँ। अभी एक ग्रिड ऐसे मिलती है तो ये ग्रिड बता पाएगी कि हमारा ट्रैक कैसा हुआ है। एक्चुअली प्लेनेट ट्रैक ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे आज हम, किसे सही करना है या नहीं करना है, हमारा कॉन्सेप्ट मेन GridWarp पे है, तो प्लेनेट ट्रैक को एक बेसिक ट्रैक निकाल लेंगे, उसके बाद हम GridWarp के ऊपर काम करेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ऑन कर लेता हूँ मैं इसे, तो यहाँ से हम ट्रैकर पॉइंट देख पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, हमने जो प्लेट करी हुई है वो 40 नंबर फ्रेम की है और जो रेफरेंस है यहाँ पे इस फ्रेम का है, तो अभी हमें क्या करना है, 40 नंबर पर जाना है और रेफरेंस को चेंज करना है, जहाँ पे येलो दिखेगा आपको वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, 1 पे है तो ये 40 पे करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या है, गो टू रेफरेंस फ्रेम, यहाँ क्लिक करेंगे डायरेक्ट रेफरेंस फ्रेम में जाएगा और नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है सेट करेंट फ्रेम एज रेफरेंस फ्रेम, तो ये अभी रेफरेंस फ्रेम ये कनेक्ट हो गया है, ओके। तो अभी इस ट्रैक को हमें लेके आना है, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, मैं नॉर्मली क्या करूँगा, ट्रैकर ही लेने वाला हूँ तो क्लिक कर दूँगा ट्रैकर बैग में, क्लिक कर देते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की। तो ये हमारा ट्रैकर आ गया, तो इस चीज़ को अभी मैं डिसेबल कर देता हूँ, इसका कुछ भी अभी लेना देना नहीं है उससे। यहाँ पर ट्रैकर मिल गए हैं, तो ये सारे ट्रैकर को मैं ऑन कर देता हूँ ऐसे, एक मर्ज लेना है, तो ये 40 नंबर फ्रेम की प्लेट क्लीन करी हुई है हमने, तो इस फ्रेम के नीचे फ्रेम होल्ड कर देंगे हम, और यहां पे दे देंगे 40, ये एक प्लेट बन के मिल गई है स्टील फ्रेम प्लेट,
वापस एक मर्ज नोड लेता हूँ मैं, ऐसा रोटो ले लेंगे, ऑपरेशन इमर्ज के जाके हम इन करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन कर दिया मैंने, अभी एक रोटो से नॉर्मल सा ड्रॉ कर लूँगा मैं। तो ये पार्ट ऐसा हो गया है जैसे देख पा रहे होंगे। अभी यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको 1 2, यहाँ से इसको ए में रखना है। तो ओके 1 एंड 2 यहाँ पे क्लीन होके मिल गया है। पर्टिकुलर ये पार्ट ट्रैक नहीं है, अभी ट्रैक नहीं है, देखिए कैसा जा रहा है, इसके साथ में बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो अभी हमें ट्रैकर का यूज करना, जो हमने प्लेनर ट्रैकर निकाला हुआ है। तो ये ट्रैकर को लेके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, 40 नंबर का है, यहाँ पे आपको कर देना है मैच मूव। ओके, अभी चलिए देख लेते हैं कि ट्रैक लगाने के बाद कितना असर हुआ इसमें। देखिए ट्रैक लगाने के बाद कुछ ऐसा जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से मैच नहीं है ऐसा। तो अभी इसको मैच करने के लिए हम ग्रिड वॉर्प का यूज करने वाले हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, अब ग्रिड वॉर्प का यूज करने वाले, ग्रिड वॉर्प नोट कैसे लेना है, कैसे यूज करना है वो देख लेंगे। तो ग्रिड वॉर्प नोट जैसे हमने कॉर्नर पिन का यूज किया था सेम यूज करेंगे, बट वो ग्रिड वॉर्प नोट को ट्रैकर के ऊपर ही लगाने वाले जैसे हम कॉर्नर पिन नोट को लगाया था। तो यहाँ से ग्रिड वॉर्प ले लेंगे। ओके, ग्रिड वॉर्प लेंगे, कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। तो जिस फ्रेम की प्लेट है पर्टिकुलर वहीं पे जाके ग्रिड वॉर्प को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है इसको। ओके, ये करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ करना है सोर्स, सोर्स करेंगे कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये सिलेक्शन का है, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही देखेंगे हम। तो ड्रॉ करने का है ये ऑप्शन सबसे है, तो इसको लेके मैं ऐसा एक ड्रॉ कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। और ऐसा करके ट्रांसफॉर्म से आप इसको बड़ा छोटा जैसा करना चाहें कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लूँगा, मुझे कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स चाहिए पर्टिकुलर वो देख लूँगा मैं। तो इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे थोड़ा सा ऐसा। अभी मुझे कुछ ऐड करने हैं एक्चुअली रो और कॉलम्स, तो जाहिर सी बात है प्लस का यूज करेंगे, यहाँ क्लिक कर दूंगा, ये ऐड हो गया है। इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ मैं ऐसा। और ऐड करना है ऐसे ऐड कर लेंगे, इसको भी सेट कर दीजिए। थोड़े से शेप को ड्रॉ कर लेंगे सही से, तो ये अच्छा लगेगा और काम करने में हमें आसान हो जाएगा ये काम। इतना होने के बाद अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है। वापस से एक यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा मैं ऐसा, और एक पॉइंट से यहाँ ले लूँगा। ट्राई करें कि ये जितने कम लाइंस ले सकें उतना कम लाइन आप लें, क्योंकि जितना कम होगा उतना हल्का भी होगा कंप्यूटर सिस्टम पे चलाने पे, क्योंकि ये हैवी नोड है एक। ओके, ऑलमोस्ट मैंने डन कर लिया है, ये शेप मेरे लिए सफिशियंट है। एक बार मैं यहाँ से व्यू करके देख लेता हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ मिल गया है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से देख के सेट कर दूँगा ऐसा, क्योंकि मुझे अपने अकॉर्डिंग की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट काम डन है इसका, अभी 1 कर लेंगे, इसको व्यू करके मैं 2 कर लेता हूँ। ये करने के बाद ये हो गया सोर्स। अब वापस से आपको जाना है सोर्स की जगह, सोर्स वॉक में जाना है, आपको ये मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ऊपर जाना है यहाँ पे सोर्स ग्रिड में, यहाँ कॉपी करना है, वापस से सोर्स वॉक में आना है और यहाँ पे कर देना है आपको पेस्ट। जैसे पेस्ट करेंगे जो सोर्स में ड्रॉ किया था सेम चीज़ आपको सोर्स वॉक में मिल जाएगी। तो ये करने के बाद मेक श्योर कि यहाँ पे प्लस का बटन है, इससे आपको की देनी है एक,
इस फ्रेम पे, जैसे की देते ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी मेन काम अभी हमारा चालू होता है, तो इसके लिए ग्रिड वॉप करने के लिए तो ये तरीके अच्छे हैं, बट एक बहुत सिंपल और आसान तरीके से हम जाएंगे। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको करना है स्प्लिट हॉरिजॉन्टली, और मैं एक व्यूअर और ले लेता हूँ। तो प्रेस करेंगे कंट्रोल आई, इस व्यूअर को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, ऐसा कुछ, इसको थोड़ा साइड में कर देंगे, और यहाँ से मैं ग्रिड वॉप को ऑफ कर सकता हूँ। क्यू प्रेस करेंगे, यहाँ से ऑफ कर दीजिए, और इस वाले में ऑन करके रखेंगे ऐसा। इसको सेलेक्ट करिए, 1 2। तो अभी चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे इसको देखेंगे। ओके, तो अभी मैं आ जाता हूँ 10 फ्रेम्स की में की देंगे जाके हम, तो ये 30 पे आ जाता हूँ। तो अभी 1 और 2 करेंगे, क्या क्या चेंजेस देखिए। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सेट करेंगे, तो ये पूरे पार्ट को मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। और धीरे से मैच कर देंगे, ऑलमोस्ट यहाँ मैच हो गया है। अब इस पार्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है हमें, तो मैं जाता हूँ पूरा ऐसा सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कर लिया है। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं, मैं इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा डाउन कर दूँगा। और ये डाउन करने के लिए जो मैं कीज़ यूज कर रहा हूँ, जैसे कि हम कॉर्नर पिन में यूज कर रहे थे, राइट साइड में 1 2 3 4 5 के जो कीबोर्ड में बटन्स हैं उन बटन्स का यूज कर रहे हैं, लेफ्ट के लिए 6 और वो, जैसा कि मैं दिखा दूंगा आप राइट साइड में कौन से बटन्स का मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आना है अब हमें, तो पर्टिकुलर ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, मूवमेंट ज़्यादा है तो एक पॉइंट और लेंगे। ऑलमोस्ट ये मैच हो गया है हमारा, अभी इस एज को मैं मैच कर लूँगा। तो रोटोशेप, सॉरी थोड़ा सा अभी मैं चाहता हूँ कि जो इसका व्यू है मैं डायरेक्टली यहाँ से करूँ ऐसे, तो थोड़ा ये काम करने में और आसान हो जाएगा। अभी जो मैच करना है मुझे, इसको थोड़ा यहाँ बराबर है, इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना है। तो ये पॉइंट अपने पास है, देखिए एक पिक्सल और एक पिक्सल और, ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है मुझे, तो ये पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करूँगा। ओके, डन, ये पार्ट हो गया। अभी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं हमें ये वाले पार्ट में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने पॉइंट्स ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं। ये दोनों पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। ओके, यहाँ पे डन हो गया, थोड़ा सा इसको भी कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं एज पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ के सारे पॉइंट में सिलेक्ट करने वाला हूँ ऐसे, थोड़ी एज को मैं नीचे लेके आऊँगा अपने। ऐसा कुछ कर दिया मैंने। अभी अगर आपको ये कम लग रहा कि यहाँ पे मुझे और ग्रिड की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है मैं एक ग्रिड को यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीच में ग्रिड ऐड करते हैं तो लिटिल बिट स्लो हो रहा है सिस्टम, मैंने छोड़ दिया, वेट करेंगे इसके लिए। ओके, यहाँ पे ऐड हो गया, और मैं फाइल को सबसे पहले जाके सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये क्रैश हो गया तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। फाइल सेव हो गई है, एक फ्रेम में मैच हो गया। थोड़ी सी ये चीज़ें हैं, इसके लिए मैंने ये नया ग्रिड को यहाँ पे किया था, तो इसके कुछ ये पॉइंट्स मिल गए हैं मुझे। थोड़ा टॉप ऊपर की तरफ कर लेंगे, ऑलमोस्ट मैच हो गया। देखिए अब वापस से मैं जाऊँगा 20 नंबर फ्रेम पे, सेम प्रोसेस को मैं फॉलो करूँगा।
यहाँ से मैं काम चालू करने वाला हूँ, पूरे के पूरे ऐसा सेलेक्ट करूँगा मैं, ओके चलेगा। अभी ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रिडवॉर्प नोट का यूज करते हुए मैंने इसको ग्रिड किया है। और मैं एक बार आपको ये पूरा शॉट प्ले करके दिखा देता हूं। तो ऐसा कुछ प्ले करने पे हमें मिल रहा है, तो थोड़े कम टाइम में हमने सही से इसको कर लिया है। तो एक बार इसका इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूं कैसा पड़ रहा है हमारा। तो ऐसा कुछ हुआ है, तो इसको मैं एक बार ग्रिडवॉर्प को ऑन और ऑफ करूंगा तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो समझ में आएंगे कैसे क्या हुआ है। आई थिंक सिस्टम हैंग कर रहा है हमारा, तो मैं सिर्फ प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। आई होप कि ये ग्रिडवॉर्प नोड आपको समझ में आ गया कैसे काम करते हैं और क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके। थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो पर्टिकुलर मुझे ये शॉर्ट करना नहीं था, मुझे आपको दिखाना था ये कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सीसी करने के बाद ये हाथ को रिवील करेंगे तो ऑलमोस्ट ये हमारा सही लुक आ जाएगा इसमें। तो आप इसको ग्रिडवॉर्प नोड का यूज करते हुए एकदम परफेक्ट तरीके से ऐसे शॉर्ट को काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा ग्रिडवॉर्प नोट को। आई होप कि आपको ग्रिडवॉर्प नोट समझ में आ गया होगा सही से। अगर ग्रिडवॉर्प नोट के बारे में आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहेगा तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।